चलो तू कॉल हो ते तू फिर तू फिर तू फिर तू फिर किधर जाना है इतने के बनाए हैं चलो मोटरसाइकिल जड़े इंज पे आते ना तुम भी इंज ही जा किधर भी जो है ना ऑर्डर वगैरह देते हैं और बताते हैं आपको कि क्या हमने जो है इधर से खाना है रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं हूँ हाफिज़ अदनान और आप देख रहे हैं हाफिज़ अदनान व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है ज़ोर की नमाज़ के बाद तकरीबन 3 बजे जो है ना मैं शुरू कर रहा हूँ और यहाँ पर आया हुआ था लाला मूसा वाले घर में, नीचे आज नहीं बैठे पढ़ने के लिए। और ये हाफिज़ साहब भी आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर ऊपर ही ना एक रूम में जो है बैठ गए हैं। और उसके बाद जो स्टूडेंट हैं वो भी आए हुए हैं यहाँ पर। ये कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है, ये भी हैं और ये भी है, ठीक है। और कल जुम्मा का जो है सबक वो नहीं सुना क्योंकि कल छुट्टी की है इन्होंने, कल पानी बहुत ज़्यादा आ गया था इसलिए जो है कल छुट्टी की है। तो अभी जो है ना वो सबसे पहले जो है सुन जिसने सुनाना है वो यहाँ पर ही मेरे साथ ही हैं, सफियान से नाम है इनका। तो ये अभी सबक सुनाएंगे और ब्लॉग भी इसी तरह जो है चलता रहेगा अब शाम तक इंशाल्लाह। वीडियो जो है रेगुलर मैंने कुछ 3-4 बनानी है अब, क्योंकि पीछे जो काम हुआ है वो आपको पता है, वो मैंने बताया है। अभी यहाँ पर लाइट मेरे ऊपर है और रिज़ल्ट आपको पता नहीं किस तरह का नज़र आ रहा होगा। बस अब थोड़ी देर के लिए ये जो वीडियो है ना ये आपने इस तरह देखनी है और आगे इंशाल्लाह जो है ना वो बाहर जा कर ही बनाएंगे रिपोरी भी इंशाल्लाह, ठीक ही होगी कुछ। यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर ये सफियान दस्तीर हैं, इनकी तरफ करो तो इनसे अभी होने लगा पहला सवाल। सवाल बिल्कुल थोड़े सही है और जल्दी जल्दी मुकम्मल हो जाएगा क्योंकि उसके बाद हमने दौर भी करना मंजिल का। तो आप मुझे ये बताएं, पहला सवाल है आपसे, कुरान पाक को जुजदान या गुलाफ में रखने का क्या हुक्म है? को जुजदान या गुलाफ में रखना जायज है। सहाबा कराम के दौरे मुबारक मुसलमानों का इस पर अमल है। आप ये बताइए जो जुजदान है इसका मतलब क्या है? वो जो बंद करने वाली रेल होती है ना वो कहते हैं उसको, और गुलाब का तो पता ही ना, वो जो कपड़े का बनाते हैं। ये चीजें याद किया करें, मैंने सुननी होती हैं, पता भी है आपको। आगे बताएं, कुरान मजीद को बुलंद आवाज से पढ़ना कैसा? कुरान मजीद को बुलंद आवाज से पढ़ना अफजल है के जहां तक आवाज है वो अशिया पढ़ने वाले के ईमान बरोज़ क़यामत को गवाह होंगी। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसी नमाजी बीमार और सोने वाले को तकलीफ ना पहुंचे। जी, उससे आगे आपसे सवाल है, कुरान शरीफ की तिलावत सुनने के बजाय बातें करना या इधर उधर देखना कैसा? कुरान शरीफ की तिलावत लावत हमेशा तवज्जो से सुनना चाहिए, इस दौरान गुफ्तगु करना गुनाह है। जी, उसके बाद आप बताएं, बहुत से लोगों का कुरान खानी वगैरह में बुलंद आवाज से कुरान शरीफ पढ़ना कैसा है? अजमती तौर पर क्या कहा है? अजमती तौर पर अजमती नहीं है, इज्तिमाई तौर पर बुलंद कुरान शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ना मना है। ऐसे मौके पर सबको आहिस्ता आवाज से कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। इज्तिमाई का मतलब क्या है? यानी कि जहाँ पर ज्यादा सारे लोग जमा हो ना उसको कहते हैं इज्तिमा। तो वहाँ पर अगर कुरान मजीद पढ़े तो वो इज्तिमाई तिलावत होगी, ठीक है। उसके बाद आप बताए, मदरसा में तलबा बुलंद आवाज से कुरान शरीफ पढ़े तो इसका क्या हुक्म है? मदरसा में तलबा कुरान शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ना जायज है। जी, यहाँ पर भी आपको भी जायज है, ये भी आप एक मदरसे में आए हुए हैं और अकेडमी में आए हुए हैं, इधर आप आवाज निकालते ही नहीं है, आपको मैं कहता रहता हूँ आवाज निकालें। तो ये थोड़े से सवाल थे इनसे जो मैंने किए हैं, माशाल्लाह इधर करो मेरी तरफ, वो इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से अंदाज में सुनाए हैं, ठीक है।
तो आगे ये दूसरे जो स्टूडेंट है इनसे भी कुछ सुन लेते हैं। और एक जो है उससे सबक ही सुना मैंने, वो जो है नमाज थी उसकी और दुआए कनूत थी, वो सही तरह उसने याद नहीं की। मैं वैसे सुनूंगा, रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, वैसे सुनूंगा कि किस तरह की वो सुनाता है, और उसके बाद फिर सबक वगैरह मैंने उससे सुन लिया, उस पारे का सबक होता है ना वो सुन लिया। इनसे ये आगे मेरे जो है ना ये साध है, ठीक है, इनका ये सबक है औलिया इकराम और इनके मिजारात। ठीक, अभी आप सुनाए चंद औलिया इकराम अलैहि रिदवान के नाम बताएं, और ये भी बताएं कि इनके मिजारात कहाँ हैं, और ये नंबर 303 जो है ना इससे शुरू करना है, 3 नंबर से। दो तो सुना लिए ना। इनका मजार के शहर बुखारा में है। हजरत सैदना अली अजवेरी दातागंज बख्श रहमत इनका मजार शरीफ पाकिस्तान के शहर लाहौर में है। बस उसके आगे 6 और 7 और 8 ये 3 ही रह गए थे, ये भी काम लेने थे ना। व्यूअर आगे जो है ना ये सिर्फ 3 जो है ना इसी जवाब का हिस्सा जो है ना, ये लाइनें रह गई 3 लाइनें, तो ये अभी जो है आगे ये भी सुनाएंगे, और उसके बाद वुजू के फ़राइज़। ठीक है, ये आपको मैंने नमाज में याद करवाए हुए हैं, पहले नमाज जो पढ़ी है ना आपने उसमें याद करवाए हुए हैं आपको। वुजू के फ़राइज़ और वुजू का मुकम्मल तरीका, ठीक है, ये आपने मुझे सुनाना है, और ये जो 3 है ये भी सुनाना है अगले जुमे को, ठीक है ना। ये नहीं, दौर भी वर शुरू हो चुका है, और अभी जो है ना 12वें पारे का से जो है ना आगे मैं पढ़ने लगूँ, ठीक है। और ये थोड़ी सी बस रिकॉर्डिंग करेंगे, फुल नहीं, हम जो है ना दौर की रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि हम मुकम्मल ब्लॉग भी बनाना है, बाकी भी आपको दिखाना है कि बाहर का क्या मौसम है, क्या सीन है, आज वो सारा कुछ दिखाना है आपको। अभी मैं पढ़ने लगूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض ولا تعصوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وإننا نفعل آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم من ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه أنيب يا ठीक है वीडियो, और आगे इंशाल्लाह जो है ना बाकी दिखाएंगे आपको क्या करना क्या नहीं। अभी बच्चों को छुट्टी देते हैं और हम आराम से जो है ना यहाँ पर रिलैक्स होकर ना तो दौर करते हैं। जिस तरह के व्यूअर तुसा देखा है कल के मोटरसाइकिल ने सानू बड़ा दिल नहीं किया, तो कल का मैं जरा ना हथी खिलवाया सी लाले मूसे वाले घर, तो हूँ अबू की जी बाइक है वह लैके आया सी मैं, तो इतने तेन सही कराने वास्ते आता है अबू की हूँ बाइक जी इतने लाले मूसे खड़ी कर जाना, असर की नमाज का टाइम होने लगा वे तो इन सही करा के ना तो जाना है हूँ दोबारा उत्थे मस्जिद, असर की नमाज पढ़ावा दे इंशाला। अगू जिस तरह मसरूफिया तो वही जी इस तरह वीडियो वगैरह बनाते रहा इंशाला। तो शामी अज जरा ना बाहर साढ़ा प्रोग्राम है डिनर का भी वो हाफिज साहब के नाल, तो वह भी इंशाला वीडियो वगैरह जो बना दे इंशाला। तो बाकी हूँ यार जल्दी करियो जरा इन सही कर दियो, ये तो दुकान भी अज मेरी वीडियो के आ गई, हमदा भाई नाम है जी इन्हों का व्यूअर थले जड़ा ना ये सारा पानी जे जेड़ा कल दा दे विच वड़िया सी हमदा भाई वीडियो जड़िया ने ना मैं उर्दू विच भी बनाना पंजाबी विच बनाना, कोई जगह जगंदी होवे उस हिसाब नाल गलबात करे जी। लो जी पेट्रोल बंद हो, जिस हिसाब के बंदे बैठे हो उस हिसाब से फिर गलत
ਬਰੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ। ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਰਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇੱਕ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ 1-5 ਦਾ ਨਾ ਮੀਟਰ ਟੁੱਟੇ ਆਵੇ, ਅਤੇ 1-5 ਦੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਿਊਅਰ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੰਦ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। 3 minutes later ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਅਭੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਥਾ ਮਸਜਿਦ, ਔਰ ਅਜ਼ਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦੀ ਥੀ, ਔਰ ਅਭੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਔਰ ਜਾ ਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। 3 hours later ਬਚਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਣਾ ਭਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਭੀ ਹਮ ਨਾ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਜਾਣੇ ਲਗੇ ਹੈ ਡਿਨਰ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ, ਤੋ ਹਮ ਕਿਧਰ ਜਾਏਂਗੇ ਇਹ ਰੱਖੇ ਆ ਜੀ ਯਾਰ, ਔਰ ਵਹਾਂ ਪਰ ਜਾ ਕਰ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਰਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਕਾ ਅਭੀ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਥ ਅਭੀ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਹੂੰ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਯਹ ਤਮੂਰ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਔਰ ਯੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਬ ਹਮਾਰੇ 15 ਪਾਰੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੋ ਫਿਰ ਇਨਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਗੀ, ਔਰ ਯੇ ਹਮ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਜਾਏਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੋ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 14ਵਾਂ, ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 15ਵਾਂ, 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਮੂਰ ਭਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੇ। ਚਲੇ ਜੀ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਲਾਰੀ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਹਿਲੀ ਕਿੱਕ ਪੈਸੇ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹਮ ਪੈਟਰੋਲ ਡਲਵਾਉਣ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1-5 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਮਸਜਿਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਾਦਰੀਆ ਰਜ਼ਵੀਆ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵਹਾਂ ਪਰ ਸਮਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੋ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਕੇ ਇਮਾਮ ਮੁਖਤੀਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਵੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ, ਔਰ ਜੁਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਨਕੀ ਆਪ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਸਕਰੀਨ ਪੇ, ਵੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਮਸੱਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਤਰਾਵੀ ਮੇਂ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਯੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਇਨਕੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਮਾਰੇ ਯੇ ਦੁਆ ਕੀਜੀਏਗਾ, ਔਰ ਅਭੀ ਹਮ ਜਾਣੇ ਲਗੇ ਥੇ ਕਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰੇਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਔਰ ਲੈ ਜੀ ਵੀਵਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਔਰ ਅਭੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਹਮ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹ ਹੀ ਬੰਦ, ਚਲੋ ਆ ਤੂੰ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ
गुफेर किधर जाना है, इतने के बनाए हैं। चलो मोटरसाइकिल जड़े इंज पे आते ना, तुम भी इंज ही जाते। व्यूअर इतने ना पता नहीं के बनाना ने आपा जी, के बनाना है इतने? अंडरग्राउंड रास्ता बनाना है। अंडरग्राउंड जो है ना यहाँ पर रास्ता बनना है, यानी कि उस साइड से बंदे जाएंगे और इस साइड से जो है बाहर आ जाएंगे, यानी कि रोड क्रॉस करने के लिए जो ना पैदल चलने वालों के लिए एक सहूलत बनाई जा रही है, अंडरग्राउंड रास्ता बनाया जा रहा है। बत्ती मगर ला लो ठीक है ना, इतने शहर के नहीं लाना चाहिए बत्ती का, मगर पता हो दूर दूर तक कोई शहर नहीं है ना ही कोई यू टर्न है, फिर जरा ला लाना चाहिए तो इतों मनु बचा के जरा थले पानी भी है जे। रोड जड़ी है ना जीटी रोड तबाह हो चुकी है, इसका ना कोई हाल नहीं है। इधर से ना उस साइड से ये जो साथ वाला जीटी रोड है वो ज़्यादा उन्होंने वो किया हुआ ना उधर से ख़राब किया हुआ है, इसलिए जो है ना यहाँ से ट्रैफिक जो है डबल चल रही है टू वे, उधर से समझे कि उन्होंने ज़्यादा जो है ना बटा हुआ है। कुछ शुगर भी होना चाहिए यार थोड़ा बहुत, बिल्कुल सीरियस गल्ला सुन सुन के बंदे जड़े ना बोर भी हो जाते हैं, तो साढ़े व्यूअर जड़े उन्होंने बोर नहीं करना है। अज की वीडियो तकरीबन मैं काफ़ी सारी पंजाबी भी बनाई है, कुछ गल् उर्दू भी की हैं, अरबी च भाजी तुम कर सकते हो। आज की ये जो वीडियो है ना, मैं जो बात कर रहा था ना पीछे मस्जिद में खड़े होकर हाफिज साहब के वालिद साहब की, वो वहाँ पर कारी साहब की भी आप पिक्चर देखेंगे और उनके वालिद साहब की भी जो है ना, ये हाफिज साहब के वालिद साहब जो है उनकी पिक्चर भी देखेंगे, क्योंकि ये मैं बाद में इनसे डिस्कस किया है तो कहते हैं मैं सेंड कर दूँगा और जो है ना आप लगा दीजिएगा, कोई मसला नहीं। मैंने कहा चलें ठीक है। व्यूअर अभी जो है ना हम यहाँ पर आ गए हैं ठीक है, यहाँ से हाफिज साहब ने जो है ना बाइक में थोड़ा सा और पेट्रोल डलवाना है, तो उस वक्त जो है ना थोड़ा था इसमें, तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा वहाँ से डलवा लेते हैं और बाकी जो है अलगनी से डलवाएंगे इंशाल्लाह। व्यूअर टैंकी जो है फुल हो गई है ठीक है, और मैंने आज आना था यहाँ पर वो अपनी बाइक भी लेकर आना था, असल में जो है ना वालिद साहब की जो बाइक है वो मैं लाला मूसा वाले घर में खड़ी कर दी है ना, तो इसलिए फिर वो लेकर चले गए हैं वहाँ पर, तो उसके बाद फिर जाहिर है मैं इसलिए नहीं लेकर आ सका अपनी बाइक यहाँ पर, तो वो फिर इंशाल्लाह कल जो है ना प्रोग्राम बनाएंगे, कल मैं अपनी बाइक जो है ना वो लेकर आऊँगा। जिस तरह के व्यूअर आपको पता कि यहाँ पर पार्किंग मियाँ जी पर होती है और बाइक हाफिज साहब ने यहाँ पर खड़ी कर दी है ठीक। वो जी आप सब किधर आए हैं? जी इधर पहुँच आए हैं हम ठीक है। किधर भी जो है ना ऑर्डर वगैरह देते हैं और बताते हैं आपको कि क्या हमने जो है इधर से खाना है। व्यूअर ऑर्डर जो है हमारा ये आ चुका है, रोटियाँ भी आ चुकी हैं, दाल भी आ चुकी है और यह साथ ही है कुछ जो है ये टिक्के हैं, ये हाफिज साहब को पसंद है और इसलिए जो है ना मंगाए हैं ठीक है। और यहाँ पर ये जो है होटल आपने देखा हुआ है पहले भी वीडियो में, तो आज इधर हम समझे कि तीसरी चौथी मरतबा जो है ना आए हैं मैं, यानी कि मुख्तलिफ दोस्तों के साथ यहाँ पर आता रहता हूँ, तो जब भी आता हूँ यहाँ पर ही आता हूँ। ये है मियाँ जी होटल, इधर अलगनी के जो है ना करीब है, अलगनी पेट्रोल पंप है उसके करीब ये है। व्यूअर जिस तरह के आप देख रहे हैं कि अभी हम जाने लगे हैं, खाना वगैरह खा लिया और बिल हमने पे कर दिया, वो बकाया उनसे जो है ना अभी थोड़ा सा लेना है,
तो वो मैं ले लूँ और फिर जो है सकते हैं। यहाँ पर ये भी जगह है, हैंड वगैरह वॉश करनी हो तो बाहर भी मैंने यहाँ पर काट सकते हैं। बाइक हमने इस साइड पे खड़ी की है, हमें खड़ी वैसे उस साइड पे करनी चाहिए थी वहाँ पर। तो ये जो है ना यहाँ पर ये फैमिली हॉल है, ठीक है, इस साइड पे हमें नहीं था जाना, हम पहले उधर जाने लगे थे। मोटरसाइकिल खोला, ऑफिस साहब की चादर अंदर रह गई थी वो चादर लेने जा रही। लॉक लगा हुआ है और लॉक खुल गया, अब स्विच भी ऑन हो गया। लब की ये 20 मिनट्स लेटर व्यूअर, अभी बाजार में पहुंच चुका हूं, ठीक है, और वापसी में मैंने कहा चले मैं ड्राइव करता हूं और आप पीछे बैठे, क्योंकि खाना खा के ठंड भी लगती है ना, तो आप हिसाब में तो वैसे चादर ली हुई थी। ये है कि शुक्र है उसका टाइम पे याद आ गया और दोबारा जाकर ले आए हैं। तो अभी ये मुझे वहाँ पर उतारेंगे मदीना मेडिकल स्टोर के पास, हाँ मदीना स्टोर के पास, और वहाँ से फिर मैं जल जो है ना पैदल जाऊँगा और वहाँ से लाला मूसा वाले घर से बाइक अपनी लेके, तो फिर जो है गोइंग टू सादकाबाद अपने घर। हाँ जी, लेट हो गया इसलिए यहाँ पर बातचीत कोई नहीं की और अभी यहाँ से ये जाने लगे हैं और मैं इस गली से होकर सीधा, ठीक है, आगे अपने घर की तरफ। हाय हाय हाय। और जिन दोस्तों ने हमारी वीडियो देखी यहाँ तक उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। असल जिस तरह की आ चुका था, अभी मैं घर और अभी तकरीबन हो रहे हैं 12:45, ठीक है, 12:45 का टाइम हो रहा है। तो वहाँ से जो आकर बाइक वगैरह लेकर तो मैं निकल आया, तो बहुत ही स्पीड के साथ मैं घर आया हूँ, क्योंकि वीडियो वगैरह रास्ते में कोई नहीं बनाई इसलिए कि टाइम काफ़ी हो चुका था और वीडियो हमारी ये काफ़ी लंबी भी हो चुकी है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बाकी जो वीडियो मौजूद है चैनल के ऊपर उनको भी देखिए और मिलेंगे सुबह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।